Hello everyone, thanks for supporting. Welcome to Mehrotra's Kitchen. आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं पनीर रैप बनाने का एक नया तरीका और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इस पनीर रैप को आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रास किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एक पैन में हम ले लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और उसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक टुकड़ों में कटा हुआ और इसे हम मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेंगे तब तक के लिए जब तक कि ये हल्का सा गुलाबी कलर का नहीं हो जाता। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं प्याज जो है वो थोड़ा गुलाबी हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन बारीक टुकड़ों में कटा हुआ और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। आप इस पनीर रैप की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर जिन्हें हमने मिक्सी में पीस कर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, इसे भी अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने खट्टे वाले टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। और इन सभी चीजों को अब हम मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे वापस से इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें अपने सभी मसालों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे करके हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और बीच बीच में इस मसाले को चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे बीच बीच में चलाया था और ये जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। ढककर मसाले को भूनने से जो मसाले के छींटे हैं वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं फैलते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ताजा दही, यानी फ्रेश कर्ड है ये हमारे पास, और अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पे हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए ताजे दही का इस्तेमाल करना है, खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे भी ढककर 2 से 3 मिनट के लिए वापस से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसे भी हम मिक्स करेंगे। आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 150 ग्राम पनीर जो छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है, इसे डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को अब हम पहले मिक्स कर लेंगे। पहले हमें सभी मसाले और पनीर को मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कटोरी पानी और इसे भी हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि पनीर जो है वो टूटे नहीं। तो इसे मिक्स कर दीजिए और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पनीर है वो अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर डालने से इस ग्रेवी में एक हल्की सी थिकनेस आएगी और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा पनीर है वो बनकर तैयार हो गया है। चलिए आइए आगे की तैयारी कर लेते हैं। और अब हम ले लेंगे तवा और उस पर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल और तवे को हमें हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। और अब हम इस पर डाल देंगे, ये हमारे पास है मालाबार पराठा, और इस पर दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देंगे। आज हम इस पनीर के रोल को बनाएंगे इस मालाबार पराठे के साथ। आप चाहें तो लच्छे पराठे के साथ भी इसे बना सकते हैं। ये मालाबार पराठा बाजार में आसानी से मिल जाता है और इसके साथ पनीर रोल बहुत ही झटपट बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
और अब हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। जिस साइड को हमें अंदर फोल्ड करना है उसे हम थोड़ा ज़्यादा सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली साइड जो है अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं। इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे और गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे। और अब इस पराठे पे हम लगा देंगे 2 चम्मच मेयोनीज। ध्यान रखिए गैस को हमें लो फ्लेम पे रखकर ही आगे का प्रोसेस करना है। तो मेयोनीज को हम इस पर अच्छे से फैला देंगे और अब हम इस पे लगा देंगे जो फिलिंग पनीर की हमने बनाई है उसे लगा देंगे। करीब 2 चम्मच लगा दीजिए, 2 से 2.5 चम्मच फिलिंग आप लगा सकते हैं। और साथ ही ये जो पनीर का जो मसाला है उसे ले लीजिए और उसे बाकी बचे हुए पराठे पर सब तरफ अच्छे से फैला दीजिए। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे फैला लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी शिमला मिर्च और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। और लास्ट में हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छे से छिड़क दीजिए इस पर और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया अच्छे से सिक गया है नीचे से भी ये पराठा, आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो पराठा है सेकने के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो हमने लो फ्लेम पे ही किया है, तभी ये पराठा क्रिस्पी बनेगा। तो ये तैयार हो गया है पनीर रैप। चलिए आइए इसे निकाल लेते हैं। अगर आप हमारी बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस झटपट और आसान सी पनीर रैप की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।